बनारस से मोदी के मुकाबले चुनाव लड़ने की बात पर प्रियंका ये कहती रही कि जो पार्टी कहेगी करूंगी, फैसला पार्टी करेगी, लेकिन पार्टी कोई फैसला करती उससे पहले रॉबर्ट वाड्रा ने एक तरह से उनके नाम का ऐलान कर दिया। रॉबर्ट से पूछा गया कि क्या प्रियंका मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, तो वाड्रा ने झट से बोला बिल्कुल, यानी पक्का हो गया कि प्रियंका चुनाव लड़ेंगी और वो भी बनारस से। बुआ बबुआ राजी हो गए हैं, दोनों का समर्थन उन्हें मिलेगा। केजरीवाल और दूसरी विपक्षी पार्टियां अपने समर्थन का टोकड़ा बीजेपी के खिलाफ प्रियंका को बिना मांगे देंगे, अब ये सब तय है। लेकिन वाड्रा ने जिस अंदाज में ये बात कही उसके संकेत कम से कम राहुल गांधी के लिए अच्छे नहीं। रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस में सत्ता का दूसरा केंद्र बनने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। प्रियंका और अपने बच्चों के साथ अमेठी के रोड शो में बाल बच्चों के साथ रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे थे। अमेठी में उनके होने और रोड शो में बढ़ चढ़कर भाग लेने के मायने तब भी सबके समझ में आ गए थे, अब तो वो कह चुके हैं कि वो पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस में आएंगे। लेकिन ये तैयारी कैसी होगी, इसका संकेत उन्होंने प्रियंका की उम्मीदवारी के बारे में स्पष्ट संकेत देकर जता दिया। माना जा रहा है कि कांग्रेस में रॉबर्ट और प्रियंका वाड्रा सत्ता का ऐसा केंद्र बनेंगे कि राहुल गांधी का जलवा बहुत हद तक फीका पड़ सकता है। वैसे भी कांग्रेस में राहुल के मुकाबले प्रियंका को ज्यादा समझदार और लोकप्रिय माना जाता रहा है। प्रियंका के इस छवि का फायदा रॉबर्ट वाड्रा उठा ले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।